नमस्कार बंटी जी, एनबीसी 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप एसटीईटी 19 के अभ्यर्थी हैं, क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं, लगातार आंदोलन भी कर चुके हैं। जिस तरीके से कल आनंद किशोर जो कि परीक्षा नियंत्रक है, उनका बयान आया है एसटीईटी को लेकर, 2023 में परीक्षा लेने की बातें हो रही है, क्या कुछ कहिएगा? सबसे पहली बात, एनबीसी 24 और आपकी पूरी टीम को अभिषेक भाई क्वालिफाइड बंटी एसटीईटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप पहले भी एसटीईटी को कवर करते रहे हैं और अभी भी कवर कर रहे हैं और आने वाले टाइम में भी आप कवर कीजिएगा। सबसे पहली बात तो मैं बिहार सरकार और सबसे ज्यादा उप मुख्यमंत्री मंत्री साहब, शिक्षा मंत्री साहब, इन तीनों को शर्म लाज लिहाज एकदम खो के ये लोग बैठ गए हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं बोला करता था कि इस आनंद किशोर के बारे में, ये आनंद किशोर जी जो है सबसे बड़े, मतलब निहायत जो कहा जाए ना कि सबसे घटिया अभी तक के मतलब अध्यक्ष में से एक हैं। मैं आपको बोला था, पूर्व में भी मैंने कई सारा बाइट दिया था कि सारे साथियों को, मैंने बोला था स्टेट 19 के साथियों को कि एक प्लेटफॉर्म पे आ जाइए। और आज आप देखिए, यही आनंद किशोर कहीं ना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी कर रहा है। मैट्रिक इंटर का तो समझ में आता है, लेकिन एसटेट 23 लेने की बात जो ये कर रहे हैं, किस मुंह से कर रहे हैं? यही आनंद किशोर 12 मार्च के रिजल्ट का प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, जिसमें बोला गया था जितने सारे क्वालिफाइड हैं एसटेट 19 में सबकी नौकरी पक्की। और आज देखिए, उस बयान के पीछे उलट एक नया बयान आ रहा है कि एसटेट 23 हम लेंगे। एसटेट 23 लेंगे तो एसटेट 19 का जो नोटिफिकेशन सातवां चरण की देने की बात थी, तो वो कहां चला गया साहब? उसके बारे में कभी प्रेस ब्रीफिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? आखिर किस बात को आप अभ्यर्थियों के साथ, उसकी जिंदगी के साथ खेल रहे हैं? इस बात को समझने की जरूरत है। और मैं बिहार सरकार को अल्टीमेटम दे रहा हूं, 23-13 दिसंबर का जो आंदोलन होने जा रहा है, उस सरकार को सचेत करना है। अगर सरकार नहीं सचेतेगी तो इस बार समझ ले सरकार, सचिवालय में जिस तरह से हम लोगों ने पूर्व में आगजनी करके पूरा का पूरा हंगामा और कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का काम किया, तो मैं बता दूं नीतीश कुमार जी इस पर संज्ञान ले और जल्द से जल्द सातवां चरण का नोटिफिकेशन जारी करे। और अगर सातवां चरण का नोटिफिकेशन ये जारी नहीं करेगी तो इस बिहार सरकार को हम लोग उखाड़ के फेंक देंगे। मैं आपको बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये पूरी तरह से कहीं ना कहीं राजनीतिक स्टंट देने का काम कर रही है बिहार सरकार। और इसमें सबसे बड़े और सबसे, मतलब क्या कहा जाए, सबसे बड़े अगर कोई दोषी है तो मैं पहले भी बोलता रहा था कि ये आनंद किशोर एक साथ कई सारे विभाग को संचालित कर रहा और यही मास्टरमाइंड है। सबसे बड़ा मैं कह सकता हूं कि बीसीबी के अध्यक्ष के रूप में सबसे बड़ा माफिया है। इनको जवाब देने का टाइम आ गया है। और मैं एसटेट 19 के पूरे बिहार के 2900 जिला के अध्यक्षों को, सीटेट बीटेक के अध्यक्षों को मैं आह्वान करता हूं कि आप लोग एक प्लेटफॉर्म पे आइए और सरकार के रणनीति को समझिए। ये सरकार जो है कहीं ना कहीं अंग्रेज है और अंग्रेज की तरह ये काम कर रही है। इसलिए अभी भी मैं कह रहा हूं उन सारे साथियों को, एसटेट 19 के खास करके साथियों को, अब कह रहा हूं कि अब एक साथ आ जाइए, एक पटल पे आ जाइए और पुरजोर विरोध कीजिए। और सातवां चरण का नोटिफिकेशन जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग वापस नहीं आएंगे। पटना की धरती से हुंकार भरने का टाइम आ गया। जी अभिषेक भाई, सवाल रखिए। तमाम अभ्यर्थियों को क्या कुछ कहिएगा? आंदोलन करने जा रहे हैं 13 तारीख को आप। देखिए, मैं पहले भी बोलता रहा था कि इस सरकार की नीति खराब है, इस सरकार की नीति में दोहरी नीति है और खास करके जो नीतीश कुमार जी है उनकी नीति क्लियर कभी नहीं रही है। कोई भी एग्जामिनेशन बिहार के अंदर में, चाहे वो बीपीएससी का मामला हो, देख लीजिए कल भी दिलीप जी आज से 3 दिन पहले 2 दिन पहले आंदोलन वो कर रहे हैं, चाहे वो बिहार एसएससी का मामला हो, 7 साल के बाद इन्होंने ज्वाइनिंग करवाया, चाहे दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, कोई भी एग्जाम देख लीजिए ये क्लियर नहीं करते हैं। सब एग्जाम को हेल्ड अप कर रहते हैं और सारा एग्जामिनेशन को चेकिंग के माध्यम से, माफियाओं के माध्यम से ये कहीं से उलझा के रखते हैं। आज टिकट विकेट वाले साथी 1 महीने से ऊपर आंदोलन कर रहे हैं, उसका रिजल्ट आप देख लीजिए। आज एसटेट वाले हम लोग लगातार 19 से हम लोग 4 साल से लगातार 2 बार एग्जाम देके आज रिजल्ट के इंतजार के आने के बाद हम लोग नोटिफिकेशन के इंतजार में बैठे हुए। और ये सबसे, मतलब क्या कहा जाए, सबसे मतलब दुर्भाग्यपूर्ण मंत्री अब तक का बिहार में वो शिक्षा मंत्री का तो कोई और स्टैंड आउट नहीं है। अब तक का सबसे क्या कहा जाए कि दुर्भाग्यपूर्ण मंत्री शिक्षा मंत्री रहे, इनके वजह से आज हम लोग का जिंदगी को ये बर्बाद करने पे लगे हुए। मैं आपको अभिषेक जी मैं बता दूं, 24 फरवरी को जिस तरह से हमने सचिवालय के अंदर में जाके हमला किया था सरकार के ऊपर, और यही आनंद किशोर को मैंने टारगेट किया था और फिर आनंद किशोर को टारगेट करने का टाइम
टाइम आ गया है साथियों। मैं बिहार के 2900 जिला के छात्र छात्राओं को आह्वान करता हूँ कि आप लोग पटना के गर्दनी बाग से शुरुआत कीजिए और इस सरकार को मुस्तैद जवाब देने का टाइम आ गया है, घर से निकलने का टाइम आ गया है, नहीं तो आपका हक और अधिकार को ये बिहार सरकार मारते रहेगी और हमेशा आपके साथ बहुत अपनाते रहेगी। इसलिए अभिषेक भाई आपके चैनल NBC 24 के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, साथियों अपने अंदर में ताकत लाइए, एनर्जी लाइए और एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आके इस सरकार का पुरजोर विरोध कीजिए, नहीं तो ये सरकार आपके भविष्य के साथ आपकी जिंदगी के साथ ऐसे ही खेलते रहेगी। जी अभिषेक भाई, जी आपने सुना थे STET के अभ्यर्थी हैं, STET के क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं बंटी का। यह साफ कहना है कि आनंद किशोर जो कि परीक्षा नियंत्रक है वो सबसे मुख्य मास्टरमाइंड है और तमाम अभ्यर्थियों को एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए और तमाम सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी हो, STET 19 के अभ्यर्थी हो, क्वालिफाइड हो या फिर मेरिट लिस्ट के अभ्यर्थी हो, तमाम अभ्यर्थी एक साथ आए और एक साथ आंदोलन करे तभी सरकार सुनेगी। तो वहीं बंटी ने यह साफ कहा है कि ये जो सरकार है, ये जो सरकार है इसकी मंशा नहीं है बहाली करने की। तो वही तमाम बातें कह रहे थे बंटी, बंटी का यह साफ कहना था कि बहाली हमारी जल्द से जल्द हो, अगर बहाली नहीं होती है तो 13 तारीख को बहुत बड़ा आंदोलन हम पटना की धरती से करने जा रहे हैं। तो वही बंटी क्या कुछ करते हैं आपने सुना है। फिलहाल इस खबर में इतना ही और तमाम खबरों के लिए।